एक होर खबर जी, कुड़ी नूं दिल्ली तों अगवा करके 50,000 च वेचिया। जगबाणी कौमी राजधानी दिल्ली तों एक कुड़ी नूं अगवा करन पिछों उसका सैक्स शोषण करके एक व्यक्ति नूं 50,000 रुपए का वेचता गया। 16 साल की इस कुड़ी नूं मध्य प्रदेश के पिंड जिले तों मुक्त करवा के मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शनिवार दस्या कि मुलजम राजीव गर्ग ने सोशल मीडिया से फर्जी आईडी बना के उक्त कुड़ी नाल दोस्ती की अते उत्तरी पछमी दिल्ली च मिलने उस नूं भावनात्मक तौर से ब्लैकमेल किया। फिर वो उस नूं अगवा करके पिंड लै गया। कुड़ी ने कहा कि मुलजम नूं उस नूं अगों एक व्यक्ति को 50,000 रुपए च भेज दिता अते उक्त व्यक्ति ने उस नाल जबरी ब्याह करा लिया। ये है राज मोदी दा, कटिया ते नीच लोकां दा राज। ते ये है किरदार साडे लोकां दा, ये पहला कुड़ियां दा शोषण करना, फिर 50,000 च वेच देना। मैं उन्हूं पुछां मूर्ख नूं, तू 50,000 नराजेंगा, तेरा 50 लाख होके निकल जाऊंगा। कल तेरी कुड़ी नूं किसी ने अगवा कर लिया, उस शोषण दा फिर तेनूं पता लगे की भाव कहती है। बाणी तां कहिंदी है गुरबाणी, वेख पराईयां चंगीयां मावां तीआं भैणां जाणे। मैं कहना सारे देश दे विच ना सिर्फ गुरबाणी का ही धर्म लागू करता जाए, देश स्वर्ग बन सकता है। सारा देश गुरबाणी पढ़े, गुरबाणी के अर्थां नूं विचारे, सेवा दे सिमरन करे, अथी सेवा करे ते मूंह वाह तों उपर उठे तां स्वर्ग बनण। ते इन्हां जेलां डकदे उन्हां बाहर आके भी इन्हां अयाशी करनी। हुण आसाराम इहनूं 20 साल की कैद होई है, तुहाडा ख्याल है उह सुधर गया? 20 साल मगरों ने बाहर आ गए, ओही चन चाढ़ने ने ते लोकी साडे मेंटल ते बेवकू ते क्रैक उन्हां मगर लग के फिर उहदे कोलों याशी करवाणी है। इस करके भाई, जद तक साडे देश गुरबाणी दा राज नहीं हुंदा तद तक जून लोकां दी सुधरनी औखी है। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, सुखमनी साहिब लिखिया सारे धर्मां च श्रेष्ठ धर्म की है। हर को नाम जप, हरि दा नाम जपो। खाली जपना नहीं है, कमाणा भी है नहीं, शकले मोमना करदूते काफरा, ते अमल भी करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ते नाल जो पढ़ना है उन्हें कमाना भी है, ते कमाण की शिक्षा मिलेगी सिख इतिहास चो। साडे जो सिखा ने पुराने या गुरुआ ने या शहीदा ने जो बाणी चो पढ़िया वो करके दिखाया, रंग लागत 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 है। आओ बाणी नाल जुड़िए अते इस देश नूं स्वर्ग बनाईए।